श्रीलंका की स्थिति पर अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान सामने आया है। श्रीलंका को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, अमेरिकी राजदूत की ओर से बातें कही गई। साथ साथ अमेरिका पूरी स्थिति को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, बहुत करीब से देख रहा है। ये भी अमेरिका राजदूत जो है उन्होंने बड़ी बात कही है। साथ साथ कहा है कि श्रीलंका में अमेरिका की राजदूत जुली चुइंग का ये बयान सामने आया है, श्रीलंका में हालात जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो देखिए किस तरीके से अब अमेरिका श्रीलंका में जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं उसको भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। तो अभी जो हालात हैं उससे तो यही है कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल आ गया है। अब हम बताते हैं कि रोजमर्रा के सामानों के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं। एक किलो चीनी श्रीलंका में 290 रुपए किलो है, एक किलो चावल के दाम 500 रुपए किलो है, एक किलो दूध का जो पाउडर है मिल्क पाउडर उसके दाम 1975 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, एक कप चाय 100 रुपए की है। अगर आपको एक पैकेट ब्रेड खरीदना हो तो वो 150 रुपए में मिलेंगे, एक लीटर दूध चाहिए तो वो बहुत महंगा है 2000 रुपए लीटर, अंडा खरीदना है तो वो 900 रुपए का एक कैरेट है, एक बोतल पानी चाहिए तो 100 रुपए, एक किलो मिर्च खरीदना है तो आपको 710 रुपए देने होंगे, एलपीजी सिलेंडर अगर आप चाहते हैं तो 4119 रुपए आपको अदा करने होंगे, एक किलो आलू 200 रुपए किलो। ये है श्रीलंकन रुपीज में, ये हमने आपको कीमतें बताई, ऐसे महंगाई बढ़ी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।